आज हम बनाएंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल में पनीर मसाला की रेसिपी वो भी बिना प्याज और लहसुन के इसे खाने के बाद कोई भी यकीन नहीं करेगा कि इसमें प्याज और लहसुन नहीं पड़ा है और इसे बनाना बहुत ही आसान है आप पूरे वीडियो को फॉलो कीजिए और उसी तरीके से बनाइए तो चलिए पनीर मसाला बनाना शुरू करते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम एक पेस्ट तैयार करेंगे जिसके लिए मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं जैसे तेज पत्ता दालचीनी इलायची काली मिर्च और लौंग इसके बाद ग्राइंडर में ऐड करेंगे छः काजू और आधा इंच का टुकड़ा अदरक का तीन मीडियम साइज के टमाटर ले लिए थे जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है और उसे रफली चॉप कर लिया था वो भी ऐड कर लेंगे ग्राइंडर के जार में और फाइनली इसमें ऐड करेंगे हम लाल मिर्च यहाँ पे मैंने सूखी वाली लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है उसके बाद बिना पानी डाले एकदम स्मूथ पेस्ट में इसे ग्राइंड कर लेंगे अब कढ़ाई में यहाँ पे दो बड़े चम्मच तेल गरम कर लिया है तेल की जगह आप चाहे तो घी या बटर भी यूज़ कर सकते हैं जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाए इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी कसूरी मेथी पहले ही ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है सब्ज़ी में उसके बाद हम घर के बेसिक मसाले डाल देंगे जैसे कि हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर इन सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाँ गैस का फ्लेम यहाँ पे लो ही रहेगा वरना हमारे जो मसाले हैं वो जल सकते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मसाले थोड़े जलने लगे हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क सकते हैं जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा था वो डाल देंगे ग्राइंडर के जार में जो मसाला चिपक गया है ना उसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर से डाल देंगे इसमें ही थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि हमारा जो ये मसाला है वो बहुत जल्दी से भुन जाए मिक्स कर दीजिए अच्छे से उसके बाद कढ़ाई का जो ढक्कन है उसे ढककर इसे हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे लगभग दस मिनट के लिए दस मिनट बाद आप देखेंगे कि इसमें से ऑयल भी रिलीज़ होने लगा है और हमारा जो टमेटो का मसाला है वो अच्छे से पक गया है गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे यहाँ पे क्योंकि हम इसमें दही ऐड करने वाले हैं अगर हाई फ्लेम पर ही दही ऐड कर देंगे ना तो दही फट सकती है तो एक चौथाई कप अच्छे से फिटी हुई दही ले ली है और दही जैसे ही डाल दें आप हाँ, इसे चलाते रहिएगा फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और जैसे ही इसमें उबाल आने लगे ना आप चलाना स्टॉप कर देंगे और इसके बाद डाल देंगे हम दो बड़े चम्मच क्रीम आप चाहे तो घर की मलाई यूज़ कर सकते हैं या फिर जो फ्रेश क्रीम आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे मिक्स कर दीजिए इसे अच्छे से और उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे आपको अपनी सब्ज़ी की ग्रेवी कितनी थिक चाहिए उसके हिसाब से आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं मैंने यहाँ पे हाफ़ कप के आसपास पानी यूज़ किया है फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और फिर इसे हम ढककर पका लेंगे जब तक इसमें तेल अलग नहीं हो जाता बस तीन से चार मिनट ही लगेगा और उसके बाद तेल जो है बहुत अच्छे से छोड़ देगा हमारा सब्ज़ी तो यहाँ पे हमारी जो ग्रेवी है वो बनकर रेडी है इस स्टेज पर आप चाहे तो और भी पानी ऐड कर सकते हैं अगर आप पतला ग्रेवी करना चाहते हैं तो अब इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर नमक एडजस्ट कर लेंगे और इसमें डाल देंगे एक चम्मच चीनी जब तक हमारी ग्रेवी पक रही थी ना उतने टाइम में मैंने पनीर के पीसेस को कट करके फ्राई कर लिया था हल्का सा ऑयल में तो यहाँ पे हंड्रेड ग्राम्स पनीर ले लिया है आप चाहें तो इसे बिना फ्राई किए भी यूज़ कर सकते हैं पर फ्राई करने के बाद इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है फाइनली फिनिश करेंगे कटे हुए हरे धनिए के साथ तो यहाँ पे हमारी बहुत ही टेस्टी ढाबा स्टाइल पनीर मसाला बनकर रेडी है आप चाहे तो इसे रोटी चपाती नान या जीरा राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं तो आप भी ट्राई कीजिए इसे अपने घर पे और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे बनाकर एंजॉय करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ आइकन को क्लिक करना भूलिएगा नहीं ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे थैंक यू वेरी मच कीप वाचिंग